इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स का विगल एक्सप्रेशन, जिससे हम अपनी लेयर की किसी भी प्रॉपर्टी में बिना की फ्रेम्स के रैंडम मोशन ऐड कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके बेसिक से, ताकि हम ये जान पाएं कि एक्सप्रेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। फिर हम इसको अपनी स्केल और पोजिशन की सेपरेट डायमेंशन में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कंट्रोल करना सीखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक्सप्रेशन को हम लूप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ्री थर्ड पार्टी एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही अपने फेवरेट एक्सप्रेशन को सेव कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो विद जस्ट टू क्लिक्स। नाउ लेट्स ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ मैंने इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए कुछ कॉम्पोजिशंस क्रिएट करी हैं। तो अगर आप साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो विगल का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज का रैंडम डायरेक्शन में मूव करना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। जैसे राइट नाउ आई एम विगलिंग माय हैंड। अ विगल एक्सप्रेशन एक कोड है जिसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में यूज करते हैं टू ऐड रैंडम वैल्यूज इन एनी ऑफ आर प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब अगर हमें इस स्टार को कुछ इस तरह से रैंडम मोशन देना हो, तो मैं इसकी पोजिशन प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ मैं इसकी स्टॉप वॉच पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा और यहाँ आप अपना विगल एक्सप्रेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट उससे पहले हम इसका फॉन्ट बड़ा करेंगे। एडिट, प्रेफरेंसेस, स्क्रिप्टिंग एंड एक्सप्रेशंस। यहाँ इसके फॉन्ट साइज को 12 से कर देंगे 16 पर, और अब यहाँ जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा हमारा एक्सप्रेशन का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नाउ लेट्स ऐड आर विगल एक्सप्रेशन हियर, दैट इज विगल ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम कोई भी दो वैल्यू ऐड करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। आई ऐड 1, 50। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम कहीं भी बाहर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ हमारी लेयर में बिना किसी की फ्रेम्स के रैंडम मूवमेंट ऐड हो गई है। अब हम इस एक्सप्रेशन को किसी भी प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एक्सप्रेशन बाय राइटलिंग ऑन आर पोजिशन प्रॉपर्टी, कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, और यहाँ हम इसको स्केल में पेस्ट कर देंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल वी। हम इसको इसकी रोटेशन में भी ऐड कर सकते हैं और अब हमारी लेयर काफ़ी ज़्यादा विगल कर रही है। बट ये एक्सप्रेशन काम कैसे कर रहा है, इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है? लेट्स रिमूव दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम स्केल एंड रोटेशन फ्रॉम नाउ। इसको रिमूव करने के लिए हम इनकी स्टॉप वॉच पे ऑल्ट क्लिक करेंगे। नाउ टू जस्ट फोकस ऑन आर पोजिशन प्रॉपर्टी, मैं अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और मैं पी प्रेस करूंगा। नाउ लेट्स चेक दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले आता है विगल, जिसे टाइप करके हम आफ्टर इफेक्ट्स को ये बताते हैं कि यहाँ इस प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू में रैंडम वैल्यूज ऐड होंगी। फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज ऐड करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। राइट नाउ इट्स 1 and 50। तो जो हमारी पहली वैल्यू है वो है फ्रीक्वेंसी और सेकेंड वैल्यू है हमारा एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमारी लेयर एक सेकंड में कितनी बार विगल करेगी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ 1 है तो हमारी पोजीशन की वैल्यू एक सेकंड में एक ही बार विगल करेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँ तो यहाँ वैल्यू एक सेकंड में 2 बार चेंज हो रही है। तो हम इसको अपने विगल की स्पीड कह सकते हैं। सेकेंड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि हमारी वैल्यू अपनी करंट वैल्यू से मैक्सिमम कितनी चेंज हो सकती है। यानी अगर हमने अपनी पोजीशन के एम्पलीट्यूड में 50 ऐड किया है तो हमारी लेयर मैक्सिमम 50 पिक्सल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब एम्पलीट्यूड प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करता है। अभी अपना एम्पलीट्यूड पोजीशन प्रॉपर्टी में पिक्सल्स को काउंट कर रहा है, बट अगर मैं ये सेम एक्सप्रेशन रोटेशन में ऐड करूं तो अब हमारा एम्पलीट्यूड 50 डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारी रोटेशन अपनी करंट वैल्यू से यानी 0 से मैक्सिमम 50 डिग्री प्लस या 50 डिग्री माइनस में ही मूव कर सकती है। एग्जांपल के लिए हम नेक्स्ट कॉम्प में आएंगे। यहाँ ये मीटर 180 डिग्रीज का है और हमारी सुई अभी बीच में है और इसकी रोटेशन की वैल्यू है 0 डिग्रीज। तो यहाँ हम अपनी सुई की रोटेशन में विगल एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। यहाँ हम ऑल्ट क्लिक करेंगे एंड विल ऐड विगल। इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 2 पे और इसका एम्पलीट्यूड हम कर देंगे 90, ताकि हमारी सुई 90 डिग्रीज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए। अगर यहाँ हम इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएं तो हमारी सुई अभी मीटर से बाहर जा सकती है। तो अगर मैं यही एक्सप्रेशन अपने स्केल में डालूं, लेट्स गो बैक इन आर स्टार कॉम्प। हम यहाँ से पोजीशन और रोटेशन में से इस एक्सप्रेशन को हटाएंगे और विल ऐड दिस एक्सप्रेशन इन आर स्केल। तो अब क्योंकि स्केल की वैल्यू हमें परसेंटेज में दिखती है तो यह एम्पलीट्यूड परसेंटेज में काम करेगा। यानी एक्सप्रेशन अब हमारे स्केल की करंट वैल्यू को मैक्सिमम 50% बड़ा या 50% छोटा कर सकता है। सिमिलरली यहाँ अपनी ओपेसिटी में भी ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम 50% तक इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, जहाँ अपने विगल एक्सप्रेशन को अपनी पोजीशन के सिर्फ वाई एक्सिस में ऐड करेंगे। यहाँ मैंने स्कूटर की पोजीशन के एक्स एक्सिस पर कुछ की फ्रेम्स ऐड किए हैं, बट नाउ आई वांट कि हमारा स्कूटर चलते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे रैंडमली हिले, ताकि थोड़ी स्कूटर वाली वाइब भी आए। तो वो करने के लिए हम इसके वाई एक्सिस में विगल ऐड करेंगे। अब ये करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम सिंपली इसकी पोजीशन पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी डायमेंशन को सेपरेट करेंगे और हम इसके यहाँ वाई एक्सिस में विगल एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। अब ये तरीका काफ़ी ईजी है, बट कभी कभी हमारी एक ही प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी स्केल प्रॉपर्टी में हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारा दूसरा तरीका काम आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी पोजीशन के अंदर ही सेपरेट डायमेंशन में विगल ऐड करूंगा यूजिंग एक्सप्रेशंस, और फिर वो एक्सप्रेशन हम अपनी स्केल की प्रॉपर्टी में भी ऐड कर सकते हैं। आई ऑल्सो रिमूव दीज की फ्रेम्स और यहाँ हम ऑल्ट क्लिक करेंगे
तो सबसे पहले मैं इन दोनों एक्सेस को एज इट इज यहाँ टाइप करूंगा बट एक्सप्रेशन लैंग्वेज में जो आफ्टर इफेक्ट्स को समझ आती है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट एंड विल टाइप 0 कॉमा वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज दैट्स इट। आफ्टर इफेक्ट्स में वैल्यू 0 हमारी सबसे पहली वैल्यू होती है विच इज़ आर एक्स एक्सेस और वैल्यू 1 हमारी सेकेंड वैल्यू विच इज़ आर वाई एक्सेस। अब अगर यहाँ हमारी लेयर 3D होगी तो यहाँ हम एक और वैल्यू ऐड करेंगे वैल्यू 2 जो होगी हमारी जेड एक्सेस। पर अभी हम अपनी लेयर को 2D ही रखेंगे। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करूँ और यहाँ प्रीव्यू करूँ तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ हमारी पोजिशन प्रॉपर्टी सेम तरीके से काम करेगी क्योंकि हमने यहाँ इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ टाइप किया। बट अगर मैं अपनी इन दोनों वैल्यू में अलग अलग नंबर ऐड करूँ एक्स एक्सेस में आई ऐड 500 और यहाँ अगर मैं 200 ऐड करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी पहली वैल्यू का नंबर हमारी एक्स एक्सेस के साथ और सेकेंड वैल्यू का नंबर हमारी वाई एक्सेस के साथ फिक्स हो गया। तो हम कुछ इसी तरह से अपनी पोजिशन के वाई एक्सेस में विगल ऐड करेंगे। लेट्स डिलीट दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ मैं वापस से अपने दोनों एक्सेस को एक्सप्रेशन लैंग्वेज में टाइप करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू स्क्वायर 0 और इस बार मैं अपने y वैल्यू की जगह विगल एक्सप्रेशन टाइप करूंगा। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे 15 पे ताकि हमें काफ़ी तेज़ मूवमेंट मिले और एम्पलीट्यूड को रखेंगे 2 पे ताकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो क्योंकि हमें यहाँ इस स्कूटर में वाइब्रेशन वाली फील देनी है। एंड नाउ वी कैन सी दैट आर लेयर इज विगलिंग इन जस्ट y एक्सिस। हम यहाँ इसे वापस से की फ्रेम भी दे सकते हैं। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। अब ये सेम एक्सप्रेशन मैं अपने स्टार की स्केल प्रॉपर्टी में ऐड करता हूँ। I'll change some values here and now it will only add wiggle in its y-axis. Now to make it wiggle only in x-axis, हम simply इसके x-axis में wiggle add करेंगे और y में लिख देंगे value. और अब ये सिर्फ x-axis में wiggle करेगा। But अगर मैं यहाँ पे normal wiggle add करूँ तो अभी ये unproportionately छोटा बड़ा हो रहा है। तो अब इसको proportionately wiggle करने के लिए भी मेरे पास दो तरीके हैं। पहला रहेगा अपना जुगाड़ वाला। तो वो करने के लिए हम इस लेयर में ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करेंगे। विल सिलेक्ट दिस लेयर एंड इफेक्ट डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म। ये इफेक्ट हमारी लेयर में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ऐड करता है। यहाँ इसमें डिफॉल्ट से यूनिफॉर्म स्केल चेक्ड है बट यहाँ हम इसको दो वैल्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नहीं, हमें यूनिफॉर्म स्केल ही चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करेंगे और इसमें हम अपना सिंपल विगल एक्सप्रेशन डाल देंगे। बट अभी ये प्रोपोर्शनेटली विगल नहीं कर रहा है बिकॉज हमारी लेयर प्रॉपर्टी में अपने पुराने स्केल का विगल एक्सप्रेशन अभी भी ऑन है। यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। अब हमारा स्केल प्रोपोर्शनेटली विगल करेगा थ्रू आर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। अब दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर जाने से पहले हम एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को समझेंगे। विल रीसेट दिस एंड ऐड अ विगल एक्सप्रेशन इन आर पोजिशन अगेन। यहाँ हम सबसे पहले टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल freq इज इक्वल टू इसको वैल्यू देंगे 2। अब हम एंटर प्रेस करके अपनी नेक्स्ट लाइन में एम्पलीट्यूड का वेरिएबल लिखेंगे amp और इसको वैल्यू देंगे 50 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम अपना विगल एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। हम इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और बार एंटर प्रेस करूँगा ताकि हम अपने वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन को ठीक से देख पाएँ। और अब यहाँ इसमें नंबर ऐड करने की जगह हम अपने वेरिएबल्स ऐड करेंगे। विल टाइप freq कॉमा amp। नाउ इफ यू अप्लाई दिस यहाँ हमारी पोजिशन में सिंपल विगल ऐड हो गया। तो हमने यहाँ एक्सप्रेशन वेरिएबल्स को यूज़ करके लिखा है। अब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे freq की जगह x लिख दूँ और amp की जगह y और यहाँ नीचे भी इनके नाम चेंज कर दूँ तब भी ये सेम तरीके से ही काम करेगा। अब अपने स्केल को प्रोपोर्शनेटली विगल करने के लिए हम अपने विगल एक्सप्रेशन को एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा बट लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट्स डन। विल रिमूव दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हेयर और हम अपने स्केल में जाएंगे। विल टाइप w इज इक्वल टू विगल और यहाँ हम अपनी वैल्यूज ऐड करेंगे। लेट्स ऐड 1, 50 और हम यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे एक सेमी कॉलम। और अब अगली लाइन में आकर इस विगल के वेरिएबल को हम अपने दोनों एक्सेस में ऐड करेंगे बाय टाइपिंग स्क्वायर ब्रैकेट w स्क्वायर ब्रैकेट 0 w स्क्वायर ब्रैकेट 0। यहाँ लास्ट में एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। अब हमारा स्केल प्रोपोर्शनेटली विगल करेगा। अब यहाँ बेसिकली मैंने अपने सिर्फ x एक्सेस में विगल ऐड किया और मैंने अपने y के कॉलम में भी यहाँ x एक्सेस की वैल्यू ही ऐड कर दिया। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हम अपने x एक्सेस को बोल सकते हैं कि y एक्सेस से इस वैल्यू को कॉपी करो और तब भी ये प्रोपोर्शनेटली ही विगल करेगा। और इनफैक्ट हम इसको यहाँ से हटाकर अपने विगल के आगे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऊपर अपने x एक्सेस में विगल ऐड कर रहे हैं बाय टाइपिंग हियर 0 और नीचे हमने ये सेम विगल दोनों एक्सेस में ऐड कर दिया। अब अगर इस पॉइंट पे आपको एक्सप्रेशन के साथ खेलने में फील आ गई है तो इसका मतलब टाइम आ गया इस वीडियो को लाइक करने का और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब हम अपने विगल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे। आई विल रिमूव दिस एक्सप्रेशन और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे एक्सप्रेशन कंट्रोल में से स्लाइडर कंट्रोल।
इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी और अपने पहले इफेक्ट को रीनेम करके रखेंगे फ्रीक्वेंसी और सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड। और अब मैं अपने पोजीशन प्रॉपर्टी में यहाँ विगल ऐड करता हूँ और हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम में बिना कुछ टाइप किए इसको यहाँ से अपने स्लाइडर से पिक क्विप कर देंगे और यहाँ ये अपने आप इसके साथ लिंक करने का एक्सप्रेशन लिख देगा। सेम चीज़ एम्पलीट्यूड के साथ भी करेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई। अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं होगा बिकॉज हमारी वैल्यूज यहाँ पे जीरो हैं। लेट्स ऐड सम वैल्यू और यहाँ पर हमारे स्टार में विगल एनिमेशन ऐड हो गया। हम इसको की फ्रेम भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू आर फर्स्ट फ्रेम और यहाँ हम इन दोनों को जीरो कर देंगे और अपने फिफ्थ फ्रेम पर हम इस पर ऐड करेंगे कुछ वैल्यूज। अब अगर हम इसे प्रीव्यू करें तो यहाँ हमारी एनिमेशन जीरो से चालू होगी और टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। सो दैट्स हाउ वी कैन कंट्रोल आर विगल एक्सप्रेशन थ्रू की फ्रेम्स। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द फुल विगल एक्सप्रेशन। मैं फटाफट से इन सबको रीसेट कर देता हूँ। अब अगर मैं ऑल्ट क्लिक करके इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स में यूज किए जाने वाले सारे एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे विगल ऐड करना है तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी में जाऊँगा और ये रहा हमारा विगल एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमारे विगल एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ तीन और आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहे हैं। तो पहला है ऑक्टेव्स जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है अभी 1 पे। नाउ लेट्स ओपन आवर ग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ अगर मैं ऑक्टेव्स की डिफॉल्ट वैल्यू को 1 से 2 पर कर दूँ तो हमारे एग्जिस्टिंग रैंडमनेस में एक और रैंडम मूवमेंट ऐड हो जाती है और इससे हमारी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जितना बड़ा नंबर रहेगा उतनी ही डिटेल्ड एनिमेशन हमें देखने को मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है कि हम ये अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है एम्प मल्ट जिसकी फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0.5। तो अगर हमने यहाँ से अपने ऑक्टेव को 1 से 2 करा तो इसमें जो सेकेंड रैंडमनेस ऐड हुई है उसका एम्पलीट्यूड 50 नहीं रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा 25 बिकॉज अभी हमारा एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर 0.5 पे। अगर मैं इसको 1 पे कर दूं तो अब जो हमने सेकेंड रैंडमनेस ऐड करी है ऑक्टेव्स को 2 करके उसका एम्पलीट्यूड अब हो गया है 50। और अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूं तो अब हमारे एडिशनल ऑक्टेव्स का एम्पलीट्यूड हो गया है 100 पे। अब ये थोड़ा अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड है बट देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपको ये सब यूज करना पड़ जाए। नाउ आवर लास्ट आर्ग्यूमेंट इज टी जो कि टाइम से रिलेटेड है। इसमें हम अपने विगल एक्सप्रेशन को अपनी टाइमलाइन में लूप कर सकते हैं जो कि हमारे वर्कफ्लो में काफी यूजफुल हो सकता है। तो इसको लूप करने के लिए हम इस बड़े से एक्सप्रेशन को यूज करेंगे जिसमें काफी सारे वेरिएबल्स हैं और लास्ट में एक लीनियर एक्सप्रेशन। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अपनी पोजीशन में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ग्राफ को ऑफ करेंगे और अब इस एक्सप्रेशन को कस्टमाइज करने के लिए हम इसकी पहली तीन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। पहले दो हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और थर्ड है लूप टाइम। लूप टाइम में हम अपनी कॉम्पोजिशन की लेंथ टाइप करते हैं। अभी हमारी कॉम्पोजिशन 6 सेकंड्स की है तो मैंने यहाँ पे 6 ऐड किया है। तो यहाँ हमारी पोजिशन की रैंडम वैल्यू 6 सेकंड्स में सीमलेसली लूप करेगी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को अपने स्केल में ऐड करें तो यहाँ ये प्रोपोर्शनेटली विगल नहीं करेगा। तो वो करने के लिए सिंपली हम अपनी लास्ट लाइन को भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। I'll name the variable lin is equal to और हम अपनी नेक्स्ट लाइन में आएंगे और इस वेरिएबल को हम अपनी दोनों एक्सिस में डाल देंगे 0, lin square bracket 0। और अब हमारा स्केल लूप में प्रोपोर्शनेटली विगल करेगा। अब अगेन इसको क्लीन रखने के लिए हम यहाँ से इस जीरो की वैल्यू को हटा सकते हैं और इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें सिर्फ एक एक्सेस में लूप करना है तो हम इस वेरिएबल को सिर्फ उसी एक्सेस पर ऐड करेंगे जिसको हम विगल करना चाहते हैं और दूसरी एक्सेस को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। और अब यहाँ पे ये सिर्फ एक्स एक्सेस में लूप होगा। अब इसको इन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लीनियर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू। और अब ये सिर्फ वाई एक्सेस में लूप होगा। अब इन सारे एक्सप्रेशन को हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थर्ड पार्टी एक्सटेंशन कॉल्ड म्यूट फ्रॉम मोग्राफ फैक्ट्री। इस एक्सटेंशन में आप एक्सप्रेशंस को सेव करने के अलावा भी काफी कुछ कर सकते हो। बट राइट नाउ आई विल सेव दिस लूपिंग एक्सप्रेशन बाय गोइंग इनटू दिस फोल्डर और यहाँ इसके अंदर आने के बाद मैं अपनी एक्सप्रेशन वाली प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इस ग्रैब टूल पे क्लिक करूंगा एंड दैट्स इट। वी कैन रीनेम दिस एक्सप्रेशन और अब हम इस एक्सप्रेशन को किसी भी प्रॉपर्टी पे ऐड कर सकते हैं बाय जस्ट सिलेक्टिंग आर प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको डबल क्लिक करूंगा। तो हमारा वाई एक्सिस का लूप अब इस प्रॉपर्टी में ऐड हो गया। तो यू कैन सेव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशंस हेयर और यहाँ उन्हें ऐड करने के बाद आप उन्हें सर्च भी कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं उन सबको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया तो आप वहाँ से उनको कॉपी करके अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे वो मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आई मेक श्योर टू आंसर दैम ऑल। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।